हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के लिए कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। इस प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रसंग, बेथानी हैमिल्टन की प्रेरक कहानी। बेथानी हैमिल्टन एक जानी मानी अमेरिकन सर्फिंग एथलीट हैं, जो कि 13 साल की उम्र में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थीं। इनकी एक बांह को समुद्र में सर्फिंग करते समय शार्क ने अपना निवाला बना लिया था, जिस हादसे की वजह से बेथानी ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। परंतु बेथानी हैमिल्टन ने अपनी मजबूरी के आगे घुटने नहीं टेके और लगातार सर्फिंग में अपना अभ्यास जारी रखा। हालांकि एक हाथ से सर्फिंग करना आसान नहीं था, लेकिन बेथानी प्रयास जारी रखती हैं, जिसके बाद बेथानी हैमिल्टन राष्ट्रीय स्कॉलास्टिक सर्फिंग एसोसिएशन में अपने शानदार प्रदर्शन से नंबर वन खिलाड़ी का खिताब जीत लेती हैं और अपनी विकलांगता को ही अपनी जीत बना लेती हैं। हालांकि सर्फिंग की गई प्रतियोगिताओं में वह कई बार हारी, लेकिन उन्होंने सर्फिंग करना नहीं छोड़ा और इनके जीवन के ऊपर एक फिल्म सोल सर्फर भी बनाई गई है, जिसमें बेथानी हैमिल्टन के संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार बेथानी हैमिल्टन के जीवन से हमें हादसों से बाहर आगे निकल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, यह छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। कहानी सुनने एवं देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।